अगली खबर करनाल से, जहां पर एमबीबीएस छात्रों का विरोध लगातार जारी है। नई बॉन्ड पॉलिसी को लेकर विरोध कर रहे हैं छात्र और नोटिफिकेशन अभी तक नहीं की गई है जारी। छात्रों की ओर से कहना है कि एक दो दिन में नोटिफिकेशन जारी करने के लिए कहा गया था, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। नोटिफिकेशन का ड्राफ्ट देखने के बाद आगे का फैसला लेंगे छात्र। छात्रों ने कहा, हमारे फेवर में फैसला नहीं होने पर धरना लगातार जारी रहेगा, सरकार हमारी जायज मांगों को पूरा करे। तो एमबीबीएस छात्रों का लगातार जो ये विरोध प्रदर्शन है, पिछले एक महीने से भी अधिक का समय बीत चुका है और ये लगातार जारी है। और जो भी कुल के साथ हमारी हरियाणा निवास पर मीटिंग हुई थी, उसमें सर ने एक से दो दिन का बोला था। उनके अधिकारियों ने भी इस बात पर हामी भरी थी कि हम एक से दो दिन में नोटिफिकेशन जारी कर देंगे, परंतु अब तक उस बात को 20 दिन हो चुके हैं, तकरीबन 500 घंटे का समय हो चुका है। जो अधिसूचना 24 से 48 घंटे में जारी करने की बात की गई थी, वो अब तक क्यों नहीं आई है? ये कहीं ना कहीं सरकार की मंशा दिखा रही है कि सरकार की मंशा खोटकी है, वो बच्चों के हित में नहीं सोच रही। अगर सरकार हमारी इतने हित में थी तो क्यों हमारा अकेडमिक लॉस कंटिन्यू करवाया जा रहा है? मतलब जो चीज़ वो आज से 19 दिन पहले दे सकते थे, उस चीज को अब तक नहीं दिया गया। और दो दिन बोले हैं और ये यही सेम बात उन्होंने 30 तारीख की बैठक में कही थी, अब है ना उस बात को 20 दिन हो चुके हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हम उस पॉलिसी का वेट करेंगे जब तक वो पॉलिसी आएगी, और जो भी कुछ उसमें होगा, गजट जब तक नहीं आता तब तक हम इसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकते। वो नोटिफिकेशन अभी आया नहीं है, ना उसका कोई ड्राफ्ट दिया है मुख्यमंत्री साहब ने, तो जब वो ड्राफ्ट आ जाएगा उसके बाद हम उसमें लूप होल्स देखेंगे, उसके बाद हम हमारी आगे की कार्रवाई करेंगे कि हमें क्या करना है। यही वो जब हम देखेंगे लूप होल्स, जब हमारे कोई हमारे फेवर में होंगे तब हम धरना प्रदर्शन क्यों करेंगे? अगर उसमें खामियां हैं और उसमें मुख्यमंत्री साहब ने कुछ उसमें हमारे लिए हमारे फेवर में कुछ काम नहीं किया है, तो हम हमारे जो धरना प्रदर्शन है वो जारी रखेंगे, और आगे के जो स्टेप है वो हम ड्राफ्ट आने के बाद ही देखेंगे कि क्या करने हैं। हम सरकार से उम्मीद करना चाहते हैं कि जो हमारे जायज मांगे हैं उनको पूरा किया जाए। ने पहले भी हमें आश्वासन दिया था कि पहले भी हम नोटिफिकेशन को गैजेट को जारी करेंगे, पर अब तक कोई भी गैजेट जारी नहीं किया गया है, और ये दो दिन अब दोबारा से उनके बयान आए कि दो दिन में जारी करते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि अब तक जो जारी नहीं हुआ गैजेट तो वो बाद में क्या करेंगे। और हमारा धरना प्रदर्शन इसी तरह स्ट्रॉन्ग रहेगा जी, और हम इसी के ऊपर अब काम कर रहे हैं, साथ में हमारे साथ वो कई और संगठन और जनता का सपोर्ट भी जुड़ रहा है, और इसी तरह हम एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसी के साथ हमारी हरियाणा निवास पर